नंद के लाला की, श्री कृष्ण के नैया लाल की, जय जय श्री राधे। हाँ देखो, अभी हम लोग जहाँ दर्शन करते करते आए हैं, ये 84 खंबा है। और यहाँ पर देखो, ये 84 खंबा, इसको विश्वकर्मा ने ये 84 खंबा बनाया। अगर ये 84 खंबा को कोई परिक्रमा करे तो उसको 84 लाख जन्म, उसको जन्म मृत्यु खत्म हो जाएगा। इसलिए यहीं पर ही मैया यशोदा ने कृष्ण को, नंद को, लाला को यहीं पर जन्म दिया है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का धारणा है, कृष्ण तो मथुरा में जन्म हुए। कहाँ पर जन्म हुए? मथुरा में जन्म हुए। और वसुदेव महाराज ने कृष्ण को लाए और ला करके यहाँ पर अपना बेटा को रख करके बेटी को यहाँ से लेकर के चले गए। ये यहाँ के साधारण लोगों का ये धारणा है। लेकिन श्री भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले कृष्ण यहाँ पर असली जो जन्म कृष्ण यहीं पर हुए, मथुरा में कृष्ण प्रकट हुए। क्या हुए? मथुरा में प्रकट हुए हैं। क्योंकि उन्होंने पहले चतुर्भुज रूप लेकर दर्शन दिया और बोले देखो मैं अभी बालक बन जाऊंगा और मेरे को गोकुल में ले जाना, वहां पर एक बेटी है, वो बेटी को ले आना और मेरे को वहां पर रख करके आ जाना, जैसे भागवत पढ़ने पर ये पता चलता है। लेकिन भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी विभिन्न स्थानों में ये बात को कहते हैं, कृष्ण की असली जो जन्म यहीं पर हुई है। क्योंकि श्री द्रोण और धरा ये दोनों ने कठोर तपस्या की पितामह ब्रह्मा की। जब ब्रह्मा संतुष्ट हुए, बोले वर मांगो, जब बोले वर मांगो, तब श्री द्रोण और धरा बोले प्रभु अगर हमारे ऊपर आप कृपा करते हो, जैसे स्वाभाविक रूप में एक बच्चा माँ की पेट से जन्म लेता है, आप मेरे कोख से जन्म लेना। जैसे साधारण रूप में मैया अपना बच्चे को लालन पालन करती है, उनको ताड़न भर्षण करती है, डांटती है, डपटती है, अंगुल पकड़ करके ठुमकू ठुमकू करके उनको चलाना सिखाती है, मैं चाहता हूँ प्रभु आप मेरे कोख से जन्म लेकर के लीला करो। तो ब्रह्मा जी तथास्तु बोले। लेकिन देवकी वसुदेव ये पूर्व जन्म में द्रोण, इन्होंने और सुतपा, ये दोनों भी विष्णु को आराधना की। जब विष्णु भगवान संतुष्ट हो गए, बोले वर मांगो, बोले प्रभु मैं चाहता हूँ आप जैसे एक बेटा मेरे घर में आए। भगवान बोले मेरे जैसे तो भाई होता नहीं, मेरे जैसे मैं हूँ, ठीक है मैं संतुष्ट हूँ, तुम्हारे घर में मैं बेटा बन करके आऊंगा। इसलिए वो देवकी वसुदेव कहते कंस की कारागार में वहां पर भगवान प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में देख के दर्शन दिया और यहीं पर कृष्ण गोकुल में जन्म हुए। इसलिए कहते ना नंद के आनंद भयो, किसका आनंद भयो? लेकिन कोई क्या कहते वसुदेव का आनंद भयो है? नहीं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं, नंदस्तु आत्मा जाता लाद महामना, बोले कृष्ण नंदस्तु आत्मा, उन्हें नंद बाबा की लाला बन करके कृष्ण जन्म हुए और कृष्ण गोकुल में जन्म होने पर क्या हुआ? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। इसलिए यहीं पर महोत्सव हुई है। इसलिए भागवत में विभिन्न श्लोक में, जैसे भागवत में गोपियों ने जब गोपी गीत को गाए, वो गोपी गीत का प्रथम श्लोक को देखो, बोले जयती जन्मना प्रजा श्रायता जय दीते धिकम जन्मना भजम, बोले कन्हैया जब से तुमने ये ब्रज में गोकुल में जन्म लिया ना, तब से ये ब्रज में जय जयकार हो रहा है, जय जयकार हो रहा है ब्रज में। लेकिन पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्म स्तुति का पहला श्लोक में ब्रह्मा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले नव मिटते अभ्र बभूषे तड़िताम्बराय गुंजावतंस परिपीछ लसत। ब्रह्मा जी कह रहे हैं
बोले प्रभु तुम कौन हो? बोले पशुपांग जाय। जो गैया को चराने वाले कौन गैया चराते थे? नंद बाबा। वसुदेव थोड़ी गैया चराया करते थे, नंद बाबा गैया चराया करते थे। इसलिए आप इनके बच्चे बन करके, इनके बेटे बन करके आए। ब्रह्मा जी कहते हैं गर्गाचार्य जब कृष्ण का नाम करने करने के लिए गर्गाचार्य आया, वो भी खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जाता तबात्मज। गर्गाचार्य कहते नंदा ये जो कृष्ण है ना, ये तेरे लाला है, नंद के लाला है, लेकिन ये कभी कभी वसुदेव का भी बेटा बन करके आया था, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव ही नाम होगा। है इसलिए भागवत में बहुत श्लोक है जिसमें कहते हैं कृष्ण नंद के लाला बन करके आए हैं। है कैसे? इसलिए हमारे गोस्वामी लोग बड़े सुंदर कथा सुनाए। बोले श्री परिजन बाबा की 5 संतान थे। कितने बचे थे? 5। कहते उपानंद, सुनंद, अभिनंद, नंदन और नंद। पहले ये नियम होता था, जब बच्चे जब उम्र 50 साल हो जाए ना, फिर घर में कोई नहीं रहते थे। जब श्री परिजन बाबा देखा 5 बच्चे हो गए, शादीशुदा हो गई घर में, इनके सबके सब बाल बच्चे सब हो गए ना, बोले और घर में नहीं रहनी चाहिए, हमें तो भगवान की भक्ति करने के लिए जानी चाहिए। इसलिए भागवत कहता है 50 ऊर्ध्वे वनम व्रजत। 50 साल के बाद में घर में रहने के लिए मना करता है। इसलिए 50 को बाद में, ये 50 को बाद में जो अंक आती है ना, देखना एका बन, क्या शब्द आता है, एका बन, बा बन, चौ बन, मतलब क्या, घर में नहीं वृंदावन में जाओ भजन नहीं। इसलिए जो अंक है ना, इसे कैसे कहते हैं, अगर प्रभु का भक्ति करने के लिए नहीं गए ना, बोले 60 61 62 पर सठिया बन जाओगे, फिर तुमसे कुछ होने वाले नहीं। इसलिए हमारे जो अंक है ना, बड़ी शिक्षा देती है। इसलिए जब इनको 50 साल हो गया, बोले भैया और घर में नहीं, जिसके लिए ये मानव शरीर दिया है, किसके लिए दिया, बोले आए थे हरि भजन को वट में लग के पास, हैं कृष्ण भजीवार तरे संसार आई नो, और मिच्छे माया भगाया माया सब आई नो। अभी भजन करने के लिए चली जानी चाहिए, हैं। इसलिए अभी नंद बाबा को उन्होंने सिंहासन में बैठा करके चले गए, लेकिन नंद बाबा का कोई संतान नहीं, बड़े दुखी घर में के लाला हो जाए, लेकिन लाला हो जाए, हैं। इतने में ब्रज में कुछ संत लोग आए और उन्हें नंद बाबा को बोले, देखो बाबा संत सेवा ब्राह्मण की सेवा में जो ना करे लकीरी सो करे फकीरी, कि तुम्हारी भाग्य में जो चीज नहीं, अगर ब्राह्मण संतों का आशीर्वाद हो जाए ना, सब कुछ सही हो जाता है। नंद बाबा ने खूब उन्होंने संतों की सेवा, ब्राह्मण की सेवा कराई। जो मैया जसोदा की उम्र निकल गई थी संतान होने का, लेकिन मैया जसोदा ने गर्भ धारण की और उन्हें स्वप्न देखा ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न करके सही होता है, उन्हें क्या स्वप्न देखा, बोले श्याम चारु चंचल दीर्घ नयने काल स्तवांक स्थले, उन्होंने स्वप्न देखा आकाश में एक बिजली चमकते हुए एक सुंदर लड़की और कृष्ण श्याम रंग के एक सुंदर लड़का, बड़े सुंदर, और इन्होंने श्री नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किया और नंद बाबा का हृदय से उन्होंने जसोदा के हृदय में प्रवेश की और नंद बाबा की आंख खुल गई। बोले जसोदे जसोदे, मैंने रात में बड़े सुंदर एक स्वप्न देखा है। जसोदा बोले मैंने भी एक स्वप्न देखी, पहले आप बताओ क्या देखा। नंद बाबा बोले मैंने देखा तेरे गोद में एक श्याम रंग का बालक तुम्हारी स्तनपान कर रहा है और ये दोनों धार से दूध बहते हुए कुर्ता भीग रहा था। सचमुच से उसी रात को मैया जसोदा गर्भ धारण की थी। मैया बोली मैंने भी स्वप्न देखा। बोले क्या देखा। बोले मैंने देखा कि श्याम रंग का बालक मेरे पीछे मामा करते करते कपड़ा खींच कर बोले मैया मेरे को गोद में उठा ले, मैया मेरे को दूध पिला ले। और सचमुच से उसी रात को ही मैया जसोदा गर्भ धारण की और ब्रज में हल्ला हो गया, नंद के लाला होने वाला है। और जितने ब्रज की गोपियां थी ना, 6-6 महीना पहले 84 गज के लहंगा चुंदरी और बड़े सुंदर श्रृंगार को हाँ बना करके रखे। जितने गोप लोग थे पगड़ी बगलबंदी और धोती बना करके रखे। बोले नंद के लाला होगा तो हम सबके साथ बधाई देने के लिए जाएंगे। लग रहा था जैसे आज रात को ही हैं घर में बच्चा की जन्म हो जाएगा। नंद बाबा की एक बहनी थी जिसका नाम थी सुनंदा। क्या नाम थी? सुनंदा। वो 6 महीना पहले घर में आकर जम करके बैठी थी, क्योंकि भाई की बेटा बच्चा होने वाले, मेरे को 9 लाख की हार मिलेगी, इसी चक्कर में 6 महीना पहले आकर घर में बैठी गई। हैं
अभी ऐसे लग रहा था मानो आज रात को ही किसी संतान का जन्म हो जाएगा, आज रात को। लेकिन कब संतान का जन्म हो गया, कब श्री वसुदेव महाराज आए, इसलिए यहाँ पर मैया यशोदा ने दो बच्चे जन्म दिया। कितने बच्चे जन्म दिए? पहले कृष्ण को जन्म दिया, उसको बाद में जोग माया को जन्म दिया, दो बच्चे दिए। आप बोलोगे फिर वसुदेव महाराज तो एक कृष्ण को लेकर के आए, अरे कृष्ण कितने हो गए? कृष्ण कृष्ण हो गए, दो हो गए, एक वसुदेव महाराज का, नंद बाबा का। आप बोलो वही एक कृष्ण फिर कहेगा, भले यहाँ पर जो कृष्ण जन्म हुए हैं वो पूर्ण कृष्ण है, लेकिन मथुरा का जो कृष्ण ये अंश कृष्ण। लेकिन जो वसुदेव महाराज वो कृष्ण को लाए, यहाँ पर जो पूर्ण कृष्ण वो अंश कृष्ण को शरीर में मिला लिया, लेकिन ये बात किसको पता नहीं चली है। और सवेरे होते ही देखा श्री मैया यशोदा की गोद में बड़े सुंदर श्याम सलनसा माताए बैठ, हरे कृष्ण बोलो, हमारी साथ में नहीं है ना, इसलिए सुंदर बालक मैया की गोद में पौड़ रहा है, बड़े सुंदर बालक। इतने में सुनंदा ने, उन्होंने पहले देख करके ना एक उन्होंने थाली लेकर के जोर जोर से बजा दी, बोले श्री नंद के लाला की जय, भैया जग जाओ जग जाओ, मैया यशोदा ने लाला जन्म लिए है। फिर नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों को बुलाए और बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, वो जो जितना लीला है ना सबके सब यहीं पर सारे लीला हुई है, हैं? इसलिए कहते हैं जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पर ब्राह्मण को गैया की सबको सेवा होती है, नियम है यहाँ पर कुछ ठाकुर को सेवा के लिए कुछ प्रणाम देनी चाहिए, जैसे यहाँ हमारी ब्रजवासी है, कुछ नियम है यहाँ पर कुछ देनी चाहिए ब्रजवासियों को, क्योंकि यहाँ पर गोशाला ब्राह्मण लोग ये ब्रजवासी यहीं पर जन्म हुई है, इसलिए आप लोग कुछ ना कुछ इनको कुछ ना कुछ प्रणाम देना। हमें एक ब्रह्मचारी को भेज देते हैं, वो सबके सब कलेक्शन कर लेगा, फिर हम वहाँ पर जमा दे करके रसीद ले लेंगे, फिर वो लोग हम सबके सब प्रसाद दे देंगे। इसलिए हमारे एक दो ब्रह्मचारी अब थोड़ा थोड़ा सबसे कुछ कुछ ले लो, एक ले लो, ये साफ ही ले लो, रसीद ले।